लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। प्रधानमंत्री मोदी इस खूबसूरत महिला के बिना नहीं जाते विदेशी टूर। जाने है कौन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई वजहों से चर्चित हैं। अपने बोलने की शैली से लेकर अपने काम करने के अंदाज तक की वजह से मोदी चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा भी पीएम मोदी एक खास वजह से चर्चा में रहते हैं, वो है उनकी विदेश यात्राएं। वैसे क्या आपको पता है कि मोदी जब भी विदेश की यात्रा करते हैं, एक महिला को साथ ले जाना नहीं भूलते। आखिर कौन है वो महिला और क्यों ले जाते हैं अपने साथ विदेश? लगातार करते रहते हैं विदेश यात्रा पीएम मोदी ने जब से देश की सरकार संभाली है, यानी साल 2014 से, तब से ही वो लगातार विदेश यात्रा करते रहते हैं। कभी अमेरिका तो कभी जापान, कभी चीन तो कभी रूस, हम जगह पीएम मोदी जाते रहते हैं। उनका मकसद हर विदेश यात्रा के जरिए भारत की छवि बेहतर करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना होता है। मोदी के साथ एक महिला हमेशा नजर आती है। आखिर कौन है वो महिला जिसके बिना मोदी नहीं जाते विदेश? डेली हंट वेबसाइट की खबर के मुताबिक जो महिला हर विदेशी दौरे पर पीएम मोदी के साथ दिखाई देती है, उसका नाम गुरदीप कौर चावला है। अब सवाल उठता है कि वो मोदी के साथ हर विदेशी दौरे में क्यों दिखती है? तो आपको बता दें कि वो कोई नेता नहीं है, बल्कि एक अनुवादक है। जी हाँ, वो एक इंटरप्रेटर है जिसको मोदी अपने हर दौरे में अपने साथ ही ले जाते हैं। इस वजह से ले जाते हैं अपने साथ। डेली हंट वेबसाइट की खबर के मुताबिक विदेश दौरे पर जाने से पहले मोदी गुरदीप को इसलिए अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उनकी बातों का विदेशों में अंग्रेजी में अनुवाद कर सके, ताकि विदेश के नेता जो अंग्रेजी में बातचीत करते हैं और हिंदी नहीं समझते हैं, वे पीएम मोदी की बातों को ठीक से समझ सकें। पीएम मोदी अपने भाषण हिंदी में ही देना पसंद करते हैं, इसलिए गुरदीप उनको अंग्रेजी में अनुवाद करती है। मोदी और ओबामा की बातचीत का कर चुकी है अनुवाद गुरदीप की कई उपलब्धियां हैं। वो अंग्रेजी और हिंदी में मास्टर है। साल 2014 में जब मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब भी गुरदीप उनके साथ ही प्राइवेट विमान में मौजूद थी। उसने वहां पीएम के हिंदी भाषणों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और बराक ओबामा के बीच हुई बातचीत को भी गुरदीप ने ही अनुवाद किया था। 1990 में संसद से शुरू किया था अनुवाद का काम गुरदीप ने, अनुवादक के तौर पर अपना करियर 1990 में शुरू किया था। वो संसद में अनुवादक का काम किया करती थी। हालांकि 1996 में शादी की वजह से उसको अनुवाद कार्य को विराम देना पड़ा था और वो पति के साथ अमेरिका चली गई थी। दोबारा वो साल 2010 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के साथ उनकी अनुवादक बनकर भारत आई थी। हालांकि अब वे पीएम मोदी की अनुवादक है।